মুহূৰ্তত দিল্লীৰ সংবাদমেলত বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ। খচৰাত নাম নথকাসকল ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় বুলি প্ৰাথমিকভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে, এই কথা কৈছে অমিত শ্বাহে। কোনো ভাৰতীয়ৰ নাম এন আৰ চিৰ খচৰাত কৰ্তন হোৱা নাই, যিসকলে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ নামহে কৰ্তন হৈছে। এতিয়াও চূড়ান্ত এন আৰ চিৰ বাবে দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া বাকী। সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰিলে অমিত শ্বাহে। ৰাজ্যসভাত ভাষণ দিয়াত আজি বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই অমিত শ্বাহে সংবাদমেলত এই সকলো তথ্য সদৰি কৰিছে। এন আৰ চিৰ সন্দৰ্ভত কথা কৈ থকা প্ৰায়কেইটা দলে এন আৰ চি কি নাজানে বুলি মন্তব্য কৰিলে অমিত শ্বাহে। ভোট বেংকৰ বাবে এন আৰ চিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে কংগ্ৰেছে। এই এন আৰ চিৰ সৃষ্টিয়ে কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে, এই মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। কংগ্ৰেছে এন আৰ চি কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে বিদেশী খেদিব নোৱাৰে। এই সংবাদমেলত এনেদৰে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনে। এতিয়া বিদেশীৰ প্ৰশ্নত মানৱ অধিকাৰৰ কথা কোৱাত আমি আচৰিত হৈছোঁ। এনেদৰে কংগ্ৰেছক এইবাৰ উভতি ধৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজনে। অসমৰ মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ এই বিদেশীয়ে খৰ্ব কৰিছে, কোনো ভাৰতীয়ৰ নাম এন আৰ চিত বাদ নপৰে, তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। সদনৰ মজিয়াত সকলো কথা ক'ব নোৱাৰাৰ পাছত অমিত শ্বাহে সংবাদমেলত আজি সদৰি কৰিলে এই তথ্যসমূহ। এন আৰ চি কে অন্দৰ চে জো নামো কো হটাযা গয়া হে वो नाम भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसी प्राथमिक जांच करने के बाद हटाया गया है। तो जो नाम हटे हैं वो घुसपैठियां हैं और इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेकर इनकी सुनवाई होना बाकी है। तो इसलिए दो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। एक तो 40 लाख का आंकड़ा कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, इस पर जिनके नाम कटे वो ऑब्जेक्शन देंगे, इस पर सुनवाई होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे प्रोसीजर से इसकी संपूर्ण जांच होगी। उसके बाद में ही तय होगा कि वो नाम कटेंगे या नहीं कटेंगे, क्योंकि ये प्राथमिक लिस्ट है। दूसरा, भारतीय नागरिकों के नाम कटे गए हैं, ये भी देश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। कोई भारतीय नागरिक का नाम कटा नहीं गया है। जो अपने भारतीय होने का प्रूफ नहीं दे पाए हैं, जो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनके ही नाम को लिस्ट से अलग किया गया है। जहां तक सदन की चर्चा का सवाल है, मैं सारे लोगों को सुन रहा था, एक 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 कर सब पार्टियों ने अपने मत रखे, मगर आश्चर्य की बात है भी पार्टी ने स्पष्टता नहीं की कि अंतिम लिस्ट नहीं है, ये प्राथमिक सूची है। इस पर अभी ऑब्जेक्शन लेना भी बाकी है, इस पर संशोधन भी बाकी है, इस पर उनकी सुनवाई भी बाकी है। दूसरी बात, किसी ने ये नहीं कहा कि एनआरसी कहां से आया है। कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल, विशेष करके तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसी के साथ भेदभाव कर रही है, किसी को अन्याय कर रही है, इस प्रकार का एक चित्र, एक छवि खड़ी करने का प्रयास किया। मैं आज देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनआरसी कैसे आया। असम के अंदर अवैध घुसपैठ के कारण वहां का जनजीवन प्रभावित होता था। आसामी जनता ने और विशेषकर असम के विद्यार्थियों ने एक लंबा आंदोलन छेड़ा, सैकड़ों युवा ये आंदोलन में मारे गए, शहीद हुए, और उसके बाद में एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया उस वक्त की सरकार ने। 14 अगस्त 1985 को देर रात शाम को रात को 3 बजे आसाम एकॉर्ड साइन हुआ। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गस्थ श्री राजीव गांधी थे, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आसाम एकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने साइन किया, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने साइन किया, और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी के अंदर, आसाम के अंदर भारत के नागरिकों की सूची बनाने का काम व्याख्यायित किया गया है, और वो व्याख्या में कहा है
एनआरसी का काम होगा। एनआरसी बनते वक्त एक एक अवैध घुसपैठियों को चुनकर देश की मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, जो एकॉर्ड श्री राजीव गांधी ने साइन किया उसकी बात मैं कर रहा हूं, और वो एकॉर्ड की आत्मा ही एनआरसी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आज वोट बैंक के लिए आप किस प्रकार से एनआरसी की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकते हो? एनआरसी की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी, 2005 में भी एनआरसी बनाने की शुरुआत करी, आप में साहस नहीं था देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का, क्योंकि आपके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी, यहां के नागरिकों के अधिकार महत्वपूर्ण नहीं थे, साहस नहीं था। 2005 में शुरू कर उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में आसाम के नागरिकों ने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की, पीआईएल के तहत ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया। टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एनआरसी बनाने का काम चालू किया, और आज उसका प्राथमिक ड्राफ्ट बनकर लोगों के सामने गया है, जिसमें 40 लाख संदिग्ध लोगों को अलग थलग किया गया है। बात करते हैं मानव अधिकार की, मैं पूछना चाहता हूं, आसाम के लोगों का मानव अधिकार नहीं है? जब उनकी रोजगारी छीनी जा रही है, जब उनके शिक्षा के अवसर छीने जा रहे हैं, जब इनके स्वास्थ्य के अवसर छीने जा रहे हैं, इनका मानव अधिकार नहीं है? घुसपैठ के जरिए देश की सुरक्षा को तार तार कर दिया जाता है, जो मारे जाते हैं उनका मानव अधिकार नहीं है? मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ही एनआरसी बना है, मगर भारत के लोगों की मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। मानव अधिकारों की बात करने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश के करोड़ों नागरिकों के मानव अधिकार का हनन है कि देश के संसाधनों का उपयोग विदेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, और उन्होंने ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। श्री राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट करे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है, और जिन जिन पार्टियों ने इसका समर्थन किया है वो सारे के सारों ने स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, हम इस देश की सीमाओं की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम इस देश के नागरिकों की सुरक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, और हमारे लिए ये टॉप प्रायोरिटी का इश्यू है, ये मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां खड़ी करी कि भाई बिहारी चले जाएंगे, कोई कहता है तमिल आए हैं तमिल चले जाएंगे, कोई कहता है राजस्थानी आए हैं राजस्थानी चले गए। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, एनआरसी में असम के अंदर बाहर से भारत के अंदर के किसी भी राज्य से आए व्यक्ति को रहने में या वहीं बसने में कोई दिक्कत एनआरसी के अंदर नहीं है। इनके नाम कभी भी देश के नागरिक के नाते काटे नहीं जा सकते। एक घर